नमः हरिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ जातवेदशेषु न वाम सोम मराति यतो निदहति वेदः स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुं दुरिताद्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफले सुजुष्टाम् दुर्गा देवीगं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्ति विरति दुर्गा निविश्वा पूष्य पृथ्वी बहुलान उर्वी भवातोकायतनयाय संयो विश्वानि नो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्ननाव दुरितातिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा घृणानो अस्माकं बोध्यविता तनूनाम् वृतनाजितगं सहमानमुग्रमग्निगं हुवेम परमा सदस्थात् स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्व क्षामदेवो अतिदुरिताद्यग्निः प्रज्ञोऽसि कवीर्यो अध्वरेषु सना च होता नव्यश्च सत्से स्वाञ्चाग्ने तनुवं प्रिप्रयस्वास्मभयं च सोभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तं तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमपि संवसानो वैष्णवीं लोक इह मादयन्ताम् ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारि धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ॐ शान्ति 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 हरिः ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः रामकृष्णाय ते नमः रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल वडोदरा की ओर से आध्यात्मिक शिविर श्रृंखला की जो कि धारावाहिक के रूप में प्रसारित की जा रही है उसकी आज ये 6वीं शिविर है और आज की इस शिविर में आप सभी भगवत प्रेमी सत्संग प्रेमी भक्तजनों का मैं रामकृष्ण मिशन की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की शिविर में जिन संतों का हमें मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है उनके चरणों में वंदन करता हूँ, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रत्येक शिविर में हमें रामकृष्ण मठ और मिशन के विद्वान और वरिष्ठ सन्यासियों का मार्गदर्शन आशीष प्राप्त होता है। आज भी मुझे सहर्ष आनंद हो रहा है आपको बताते हुए कि आज की इस शिविर में भी हमें वरिष्ठ और विद्वान सन्यासियों का मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। आज की इस शिविर में जिन संतों के मार्गदर्शन में प्राप्त होंगे उनके नाम मैं आपको बता दूं। रामकृष्ण वेदांत सोसाइटी बोस्टन के हेड
पूज्य स्वामी त्यागानंद जी महाराज, रामकृष्ण मिशन नई दिल्ली के सचिव पूज्य स्वामी शांतात्मानंद जी महाराज, रामकृष्ण मिशन चंडीगढ़ के सचिव पूज्य स्वामी आत्मज्ञानंद जी महाराज और रामकृष्ण मिशन वडोदरा के ही वरिष्ठ सन्यासी पूज्यपाद स्वामी सुविज्ञानंद जी महाराज से हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा, आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त होगा। साथ ही स्वामी योग सिद्धानंद जी महाराज से ध्यान, धर्म और साधना इस पुस्तक से कुछ पठन सुनेंगे। साथ ही राजकोट आश्रम, श्री रामकृष्ण आश्रम राजकोट के ब्रह्मचारी सुविमल चैतन्य और ब्रह्मचारी अर्णव महाराज से मधुर संगीत का भी आनंद प्राप्त करेंगे। तो आइए आज की शिविर की शुरुआत करें। सबसे पहले पूज्य स्वामी त्यागानंद जी महाराज से भक्तिमय व्याख्यान सुने। पूज्य महाराज श्री बोस्टन में निवास करते हैं, काफ़ी समय से पूज्य महाराज श्री वहाँ है और हमें बहुत ही आनंद है कि उन्होंने अपना समय निकाल के हमें मार्गदर्शन देने के लिए सहर्ष राजी हुए। पूज्य महाराज से हम आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करें। असतो मा सत्कमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। आविराविर्महेधि रुद्रयत्ते दक्षिणं मुखं, तेन मां पाहि नित्यम्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं सारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। मैं रामकृष्ण मिशन के बोस्टन शाखा से बात कर रहा हूँ, ये हमारा मंदिर है यहाँ। तो आज मैं आपको वृंदावन में जो एक मशहूर मंदिर है कृष्ण भगवान का, बांके बिहारी जी का मंदिर, उसके साथ जो एक कहानी बोली जाती है उसके बारे में, तो वो कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप में से बहुत लोगों ने वो मंदिर देखा भी होगा, वहाँ दर्शन भी किया होगा और शायद ये कहानी भी सुनी होगी। मुझे कहानी बहुत अच्छी लगती है, इस कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उस मंदिर की विशेषता ये है कि जो भक्त लोग उस मंदिर में जाते हैं तो वहाँ भगवान का दर्शन तो होता है परंतु कंटिन्यूअसली नहीं होता है। वो जो भगवान का जो गर्भ मंदिर है जहाँ का उनका विग्रह है और भक्त जो नट मंदिर में रहते हैं तो उनके बीच में एक पर्दा आता है और वहाँ पर एक पुजारी पूरा दिन जब तक मंदिर खुला रहता है वो एक पुजारी वो पर्दा खोलता है और बंद करता है, खोलता है और बंद करता है। तो इसे झांकी दर्शन बोलते हैं, मतलब भगवान को सिर्फ झांकी मिलती है, लगातार भगवान को हम नहीं देख सकते हैं। तो प्रश्न उठता है कि ये ट्रेडिशन क्यों हुई, कैसे हुई? क्या ये मंदिर जब शुरू हुआ था तब से थी ना बाद में शुरू हुई? तो कहा जाता है कि जब मंदिर हुआ था तो सर्वसाधारण बाकी मंदिर जैसे रहते हैं वैसा ही था। वो वहाँ का जो विग्रह है वो संत हरिदास जी को मिला था ऐसा कहते हैं, तो विग्रह तो बहुत पुराना है।
तो जब मंदिर शुरू हुआ था तो बाकी सब मंदिरों की तरफ ही था, किंतु शीघ्र ही कुछ महीनों या कुछ सालों के बीच में ही एक बहुत एक अद्भुत घटना हुई वहाँ पे। बात यह हुई कि इस मंदिर के बाहर में, जैसे हम देखते हैं मंदिर के बाहर में फूल, पुष्प, पुष्पमाला इत्यादि जो लोग बेचते हैं, तो वैसे थे वहाँ पे उस समय। और एक छोटी बच्ची भी हर रोज़ बहुत अच्छी फूलों की माला बना के बेचती थी वहाँ पे, बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगता था उसका। तो उस मंदिर के जो पुजारी गण थे उन्होंने उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि हर रोज़ मंदिर में 10 माला सप्लाई करने की, तो वो देती थी हर रोज़। वो खुद भी वो कृष्ण भगवान की बहुत भक्त थी और उसको बहुत इच्छा थी कि खुद जाके एक बार भगवान को माला पहनाए। परंतु आप लोग तो जानते हैं भक्त लोग स्वयं जाके तो विग्रह को माला नहीं पहना सकते, हम जाकर उसे पुजारी के हाथ में देना पड़ता है और पुजारी जाके सब पूजा के जो सामग्री होती है भगवान को निवेदन करते हैं। तो इसको लग रहा था मैं खुद जाके कब कर सकूंगी। फिर भी उसको मालूम था कि इमीजिएटली तो नहीं हो सकता है, तो वो हर रोज़ उसको तो 10 माला सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट था, तो वो हर रोज़ 11 माला भेजती थी, एक माला अपनी तरफ से भेजती थी। उसको लगता था कि कभी ना कभी ये पुजारी लोग देख लेंगे कि एक एक्स्ट्रा माला क्यों आ रही है, एक्स्ट्रा गार्लैंड क्यों आ रहा है, तो फिर वो पूछेंगे क्यों भाई एक्स्ट्रा क्यों भेज रही है, तो फिर मैं बोलूँगी कि देखिए ना ये तो मेरी तरफ से है, अगर आप मुझे एक चांस देंगे एक मौका देंगे तो मैं जाके भगवान को माला पहना दूँगी। किंतु आप लोग तो जानते हैं पुजारी लोग कैसे होते हैं, इन किसी ने देखा भी नहीं कि एक एक्स्ट्रा माला है। तो दिन गुजर गए, महीने गुजर गए, कुछ नहीं, किसी ने देखा भी नहीं। तो इसको एक दिन इतना ख़राब लगा, फिर वो मंदिर में जाके वो जो प्रेयर हॉल था नाट मंदिर में, वहाँ जाके भगवान की तरफ देख के वो रोने लगी। बोली भगवान ठीक है ये पुजारी लोगों ने तो देखा नहीं, मेरी जो दिल की तमन्ना है उनको तो मालूम नहीं है, आपको तो सब मालूम है, फिर आप क्यों नहीं मेरी अपनी इच्छा को पूरी करने की क्या करते हैं, क्यों नहीं आप इस पुजारियों के मन में ये विचार पैदा करते हैं कि वो आकर मुझे बोले कि आ बेटी तू आके पाला, क्यों नहीं कर रहे हैं आप। वो इतने आंतरिकता से भगवान को प्रार्थना कर रही थी तो अचानक उसको एक आवाज़ सुनाई थी और वो आवाज़ इतनी दिव्य थी तो वो समझ गई ये भगवान की आवाज़ है, और किसी की आवाज़ नहीं हो सकती। और भगवान ने बोला अरे तुझे क्या लगता है मैं नहीं देख रहा हूँ, मुझे तो मालूम है तुम माला भेज रही हो। तो बोलती देखता है तो फिर अब कुछ करते क्यों नहीं है। तो भगवान बोले देखो इस मंदिर में मुझे तो इतना फ्रीडम नहीं है, ये लोग जब बोलते हैं उठो मैं उठता हूँ, जब बोलते हैं सो जाओ तो सोता हूँ, जब खाने को देता है खाता हूँ। तो बोलते हैं अरे आप तो पूरा संसार पूरा जगत चला रहे हैं और आपको फ्रीडम नहीं है। तो भगवान बोलते नहीं यहाँ पर नहीं है, मंदिर के अंदर तो नहीं है। तो फिर वो बोली फिर अभी क्या करेंगे, फिर आप कैसे आप सब जगत कैसे चलाएंगे इस कंडीशन में। तो भगवान बोले देखो ऐसा करो तुम रात को आ जाओ, जब मंदिर बंद रहेगा तब तुम आ जाना। तो वो बोली कि मंदिर बंद रहेगा तो सब ताला वगैरह सब बंद रहेगा तो मैं कैसे आ सकती हूँ। तो भगवान बोले तुम उसकी चिंता मत करो, ये पुजारी लोग वगैरह कोई नहीं रहेगा रात को, तू रात को चले आ जा। तो फिर बच्ची बोली ठीक है, बहुत खुश हो गई। तो घर चली गई, घर में बहुत अच्छे अच्छे सब खाना बनाया भगवान के लिए, नैवेद्य बनाया और पूजा की सामग्री चंदन धूप और पुष्पमाला सब कुछ लेके एक बास्केट में लेके, रात को अंधेरा हो गया था, सब लेके और एक हाथ में एक लैंटर्न एक दीपक लेके आ गई। और अचरज की बात यह है कि जब मंदिर के पास आ गई तो दरवाज़ा ऑटोमेटिकली खुल गया, तो अंदर चली गई, भगवान थे वहाँ पे गर्भ मंदिर में, तो बहुत खुश हो गई। तो चलिए अब मैं आपकी
अपनी जो मेरी दिल की इतने सालों से इच्छा थी, अब मैं आपको माला पहनाऊंगी, आपकी पूजा करूंगी। तो भगवान बोले, अरे ठहरो ठहरो ठहरो, अभी तो प्रॉब्लम यह है कि तुमने तो लाइट चलाया है अपने साथ में, ये लाइट अगर वो बाकी सब लोग देख लेंगे, ये मंदिर के खिड़की के व दरवाजे के बाहर जब ये प्रकाश चला जाएगा तो लोगों को लगा अरे चोर बेर आ गया कि क्या, हम यहाँ तो नहीं कर सकते। तो फिर बोले अभी कहाँ जाएंगे फिर? फिर भगवान बोले ऐसे करते हैं, तुम्हारे घर चले जाएंगे, फिर वहाँ पर तो जितना खुशी तुम पूजा कर सकती हो, यहाँ पर ज़रा डेंजर है। तो फिर वो बोली चलो, तो भगवान ने ठीक है तुम सामने चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। तो वो लड़की सामने गई और भगवान उसके पीछे गए। तो उसका घर तो ज़्यादा दूर दूर तो था नहीं, तो जाकर अंदर चले गए उसके घर के अंदर। भगवान ने बोला अच्छी तरह से सब दरवाज़ा बंद करो, सब तुम्हारी विंडोज़ बंद करो, बस वो सब करके फिर वो भगवान उसके बिस्तर पर बैठ गए। फिर बोले अब तुमको जितना खुशी तुम पूजा करो। तो उसने जाके पानी लाया भगवान के, पानी से उनके पैर धोए, फिर उस पर चंदन लगाया, फिर अच्छी तरह से पूजा की, उनको माला पहनाई, फिर जो उसके उनके लिए जो मिठाइयाँ बनाई थी सब कुछ दे दिया। भगवान ने बहुत खुशी से खाया। खाते खाते भगवान ने बोला देखो मेरा एक प्रॉब्लम है, जब मैं भक्तों के साथ रहता हूँ तो मुझे कुछ याद नहीं रहता है, टाइम वाइम सब कुछ याद नहीं रहता है, तुम जरा टाइम की तरफ नज़र रखो, सुबह 7 बजे वो आ जाएंगे पुजारी लोग, उसके पहले मुझे मंदिर वापस जाना है। तो वो बोले हाँ मैं तो कोशिश करूँगी, मैं भूल गई तो? तो भगवान ने बोले नहीं 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 ऐसा नहीं चलेगा। तो उसने बोला आप भी ज़रा नज़र रखिए ना। तो बोले दोनों ने बोले ठीक है, हम दोनों ज़रा सतर्क रहेंगे कि 7 बजे से पहले मंदिर वापस जा सके। बस वो फिर बास ने उसने बहुत अच्छे अच्छे भजन गाए भगवान के लिए, भगवान ने भी बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। दोनों भी टाइम भूल गए और अचानक दरवाजे के ऊपर नॉकिंग शुरू किया, टक 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 टक। तो बोले अरे क्या हो गया, घड़ी की तरफ देखा 7:30 बज गए थे, दोनों को पता ही नहीं चला था कैसे टाइम चला गया। फिर भगवान बोले जाओ जाओ दरवाज़ा खोलो। तो लड़की बोलती है नहीं नहीं मैं मुझे नहीं खोलेंगी। अरे भगवान बोलते हैं ये तो तुम्हारा घर है, तुम्हें ही खोलना पड़ेगा, मैं नहीं खोलूँगा। तो फिर बच्ची बोली हाँ ये तो ठीक है, मेरा ही घर है, मुझे ही खोलना पड़ेगा। फिर वो बच्ची ने जाके दरवाज़ा खोल दिया। तो सब पुजारी लोग इसे बड़े बड़े सब अंदर आ गए। बोले कहाँ है मूर्ति? और वो बोले उसको बोलने को भी नहीं दिया। तो बोले कहाँ चुरा के लेकर आई है? तो बोले मैंने तो कोई चोरी वरी तो नहीं की। फिर अंदर घुसाए और मूर्ति तो उनको ढूंढने तो नहीं पड़ी, वो तो ऐसे बिस्तर पे ही लेटी थी मूर्ति। तो बोले अरे यही तो है मूर्ति, यही तो लेकर आई। उसको फिर बोला चोरी करके लाई? तो वो बोली देखिए मैंने चोरी वरी कुछ नहीं की, भगवान खुद बोले कि मैं तुम्हारे घर आता हूँ, उन्होंने ही मुझे बोला। तो वो जो बड़े पुजारी थे बोलते अरे किस क्या समझ रहे हैं, हम लोग क्या बेवकूफ़ है क्या, हम तो इतने साल से वहाँ पूजा कर रहे हैं, हमारे साथ तो किसी कभी भगवान ने बात नहीं की, और तुम ऐसा बोलना चाहती हो हमें कि इतने दूर भगवान तुम्हारे साथ चल के आए, हमें क्या भगवान ने कुछ बुद्धि वगैरह दी है कि नहीं, ये कौन विश्वास करेगा ये? तो वो भी रोने लगी बच्ची, बोले मैं तो सच बोल रही हूँ। तो किंतु वो लोग बिल्कुल नहीं माने, परंतु टाइम तो चला जा रहा था। फिर वो बड़े जो पुजारी थे उन्होंने उनके दूसरे जो यंग पुजारी थे उनको बोला अच्छा अभी ज़्यादा यहाँ पर बहस नहीं करेंगे, तुम वो मूर्ति लेके जल्दी मंदिर में चले जाओ, वो सुबह की जो पूजा है इत्यादि करो, सब ये वृंदावन शहर में सबको अगर पता चल जाएगा तो बड़ा गजब हो जाएगा। तो वो लोग जाके मंदिर में जाके पूजा वगैरह शुरू कर दी उन्होंने, किसी को पता भी नहीं चला कि ये रात में सब इतना सब प्रकांड हो गया था। वो जो बड़े पुजारी थे उन्होंने लड़की को बोला देखो अब भी तुम यहाँ से भागो, तुम अगर यहाँ रहोगी तो हम पुलिस को बोल देंगे ये सब बातें, नगर से निकल जाओ, वापस कभी भी नहीं आना। तो वो लड़की इतनी बेचारी डर गई, तो वो अपने आप का छोटा भी उसके सामान था उसका बिस्तर वगैरह लेके बस चली गई। Nobody heard from her again, कोई वापस कभी नहीं आई वो वहाँ पे। अच्छा फिर ये लोग तो जाके मंदिर सब
तो पूजा आदि सब शुरू हो गया था। तो उस शाम को ये सब पुजारी लोग एक मीटिंग में बैठ गए, बोले अभी क्या करेंगे। तो जो बड़े पुजारी थे वो समझ गए कि बोले देखो ये मूर्ति इतनी भारी है और ये बच्ची इतनी छोटी है, वो कैसे उठा के ले जा सकती है। तो उनको विश्वास हो गया कि नहीं नहीं तो चुरा के तो नहीं ले गई थी, ये भगवान भी जो कितने करुणामय है, तो उन्होंने देखा कि वो इतनी प्रार्थना कर रही है, उनकी इतनी भक्त है, तो वो बस पिघल गए चले गए। अभी तो ये तो अच्छी किस्मत थी हमारी कि ये तो पास में ही तो घर था, और तो उसके जो फुटप्रिंट्स देखे इसलिए हम जाके उसको ला सके वापस। समझ लो अब ये और कोई भक्त कहाँ से दूर से आ जाएगा और फिर भगवान को प्रार्थना करेगा और भगवान वापस पिघल जाएंगे और फिर कहाँ चले जाएंगे, और कहाँ दूसरे शहर में, अब दूसरे देश में चले जाएंगे, तो फिर हम कहाँ ढूंढने जाएंगे इनको, तो भी क्या करना चाहिए अभी। तो बोले भगवान इतने करुणामय है तो इनकी करुणा को जरा ऐसा थोड़ा ऑब्स्टिकल करना पड़ेगा बीच में। तो फिर एक यंग पुजारी था, उसके दिमाग में बहुत अच्छा एक आइडिया आ गई। उसने कहा देखिए हम ऐसा करते हैं कि हम बीच में एक ऐसा पर्दा लगा देते हैं, तो भगवान तो कोई भक्तों को देख नहीं सकेंगे, बट जब पर्दा खोलेंगे तो देखेंगे सामने एकदम 100, 150, 300, 400 भक्त लोग उनका जय जयकार कर रहे हैं, भीड़ देखेंगे, किंतु जब भी किसी एक भक्त की तरफ उनकी नज़र जाएगी और उसकी प्रार्थना सुनने लगेंगे तो ये संभावना है कि वापस पिघल जाएंगे, वापस वो भक्त को बोलेंगे चलो हम निकल जाते हैं यहाँ से, तो इसीलिए पर्दा बंद कर देंगे। फिर तो वापस थोड़े टाइम के बाद पर्दा खोलेंगे, वापस भगवान भीड़ में देखेंगे, किसी एक स्पेशल पर्टिकुलर भक्त को नहीं देख सकेंगे। ऐसा सोच के वो ये झांकी दर्शन का जो बड़ा ट्रेडिशन है वहाँ पे वो शुरू हो गया था, ऐसा कहा जाता है। तो कहानी तो बड़ी मधुर है, परंतु ऐसे कहानी से हम सीख क्या सकते हैं। तो भक्त सोचता है कि हमारे दिल के अंदर में, हृदय के अंदर में तो झांकी दर्शन तो नित्य हो रहा है, जो हम जब ध्यान हर रोज़ करते हैं, जब आंखें बंद करके भगवान को स्मरण करने का प्रयत्न करते हैं तो दिखता है पर्दा तो बंद है, अंधेरा ही अंधेरा है, परंतु जब हम एकाग्र चित्त से, भक्ति से, श्रद्धा से जब जब ध्यान करते हैं तो एक हाथ बार ऐसा होता है कि ये हृदय का पर्दा खुल जाता है, खुल जाता है तो इष्ट दर्शन होते हैं, तो दिल भर जाता है। परंतु पर्दा खुला तो नहीं रहता है, दर्शन होते ही बस पर्दा वापस बंद हो जाता है, फिर लगता है अरे रे रे रे, फिर हम और कोशिश करते हैं और जब ध्यान, अभी वापस पर्दा कब खुलेगा उसको कोई गारंटी नहीं है, को एक दिन के बाद खुल सकता है, एक महीने के बाद, एक कुछ साल भी गुजर जा सकते हैं, किंतु एक बार जब भगवान के दर्शन हो गए तो इतना दिल भर जाता है कि लगता है कि वापस और एक बार हो जाए तो कितना अच्छा है। तो हम और चाव से और पूरे दिल से जब ध्यान करने की कोशिश करते रहते हैं, फिर वापस कुछ दिनों के बाद वापस खुलता है, वापस बंद होता है। तो इस प्रकार हमारे हृदय के अंदर में ये झांकी दर्शन चल रहा है, और शुरू में पर्दा बहुत कम खुलता है, बहुत ज़्यादा टाइम तक बंद रहता है, परंतु जैसे हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमारी प्रगति होती है और भगवान की कृपा से धीरे 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 ऐसा होता है कि वो पर्दे का बंद रहने का अवसर कम हो जाता है और पर्दा ज़्यादा फ्रीक्वेंटली खुलने लगता है। अगर समझ लो पर्दा खुलने में अगर पहले कुछ दिन लगते होंगे, बाद में लगता है नहीं अभी एक ऑलमोस्ट एवरी डे खुल जाता है। तो इस प्रकार से जब हम सोचते हैं कि ये हमारे भक्ति साधना में प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसा जब विचार मन में आता है तो इस कहानी को याद रखना कि ये जो झांकी दर्शन अंदर में चल रहा है ये कभी पर्दा खोलेगा और कितने टाइम तक बंद रहेगा, और जब एक बार भगवान की कृपा हो जाती है, जब
पूरी तरह से ईश्वर साक्षात्कार हो जाता है तो ये पर्दा पूरी तरह से खुल जाता है, फिर कभी भी नहीं बंद होता। जिनको हम संत महात्मा मानते हैं, जो महापुरुष हैं, जिनको ईश्वर साक्षात्कार हुआ है, उनके दिल से वो पर्दा पूरी तरह से निकल गया। उनको तो नित्य दर्शन होते रहते हैं, विचार के दर्शन नहीं, नित्य दर्शन होते हैं। तो ठाकुर श्री राम कृष्ण, शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद जी, इनकी जीवन चरित्र पढ़ के, उनकी टीचिंग्स पढ़ के हम ये सीखते हैं कि इस तरह से अपने हृदय पट में जो 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 पर्दा है उसे निकालने की शक्ति हमारे अंदर है। तो हमारे गुरुदेव ने, हम अपने अपने गुरुदेव से हमने जो जो सीखा है, उन्होंने जिस तरह से बताया है, जप ध्यान करना, प्रार्थना करना, कीर्तन करना, लोगों की निष्काम सेवा करना, ये हम ठीक ठीक तरह से अगर कर सकेंगे तो हमारे हृदय में भी जो पर्दा है, जो हमें हमारे इष्ट से, भगवान से अलग किया है, जिस पर्दे ने, वो पर्दा पहले तो झांकी दर्शन होगी किंतु बाद में नित्य दर्शन होगा। यही जीवन का उद्देश्य है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान श्री राम कृष्ण देव, श्री माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद जी, इनकी कृपा से हमारे सभी भक्तों के हृदय से वो जो पर्दा है वो निकल जाए और हमारा जीवन धन्य हो जाए। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। अभी हमने पूज्य महाराज जी से सुंदर भक्तिमय व्याख्यान सुना। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम वृंदावन पहुंच गए हैं। महाराज के मधुर व्याख्यान के हम बहुत आभारी है कि महाराज ने हमें सुंदर मार्गदर्शन किया। मैं रामकृष्ण मिशन वडोदरा की ओर से और आप सभी की ओर से पूज्य महाराज के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि उनके आशीष, उनके आशीर्वाद सदा सर्वदा हमको प्राप्त होते रहेंगे। आइए अब हम श्री रामकृष्ण आश्रम राजकोट के विशिष्ट गुण संपन्न प्रिय भाई ब्रह्मचारी सुविमल चैतन्य से भजन का आनंद प्राप्त करें। आइए भजन सुने हम। कलिन विराग जोग जा
अलिन विराग जोग जायता जप जी हूँ सदा राम राम जप जी।
अभी हमने ब्रह्मचारी सुविमल चैतन्य महाराज जी से सुंदर भजन सुना। ठाकुर जी की विशेष कृपा उनको प्राप्त हुई है। सुंदर स्वर के साथ साथ शास्त्रीय संगीत में भी वह पारंगत है। बहुत ही भाग्यशाली हम कि आज उनके भजन का हमें आनंद प्राप्त हुआ। आइए अब हम रामकृष्ण मिशन नई दिल्ली के सचिव पूज्य स्वामी शांतात्मन जी महाराज जी से हमारी संघ की परंपरा रामकृष्ण परंपरा के बारे में व्याख्यान सुनेंगे। महाराज बहुत ही व्यस्त रहते हैं, अनेक कार्यक्रम रामकृष्ण मिशन दिल्ली के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। अति व्यस्तता के बीच में भी उन्होंने समय निकाल के हमें मार्गदर्शन के देने के लिए पधारे, उनके लिए हम उनके बहुत ही आभारी हैं। आइए अब महाराज जी से हम व्याख्यान सुने। प्रिय इष्टमयानंद जी एवं भक्तवृंद, कोविड महामारी की वजह से हम सब एक साथ बैठ के चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वर्चुअल मोड के माध्यम में बातचीत करना पड़ता है। फिर भी अच्छा है, जैसे भी हो भगवान के नाम लेना, उनकी स्मरण करना, यही जीवन का उद्देश्य है। इसलिए जैसे भी हो हम लोग सत्संग करेंगे, भगवान के बारे में बातचीत करेंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मत चित्ता मत गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। मेरे भक्त हमेशा मेरे बारे में बातचीत करते रहते हैं, मेरा गुणगान गाते हैं, परस्पर के समझाते हैं, उसी से उनका सब आनंद है, खुशी है। इसीलिए हम सब भी जैसे भी हो भगवान श्री रामकृष्णदेव के बारे में वैसी चर्चा करते रहेंगे, परस्पर समझाते रहेंगे। आज विशेष रूप से हम सब रामकृष्ण परंपरा के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। ये क्या है, क्योंकि भारत की जो सनातन धर्म तो बहुत ही पुराना है, हजार हजार साल का है, तो उसमें पहले भी बहुत अवतार आ चुके हैं। नया कुछ ऐसे कोई महापुरुषों की आगमन की विशेषता क्या है? गीता में तो भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानम सृजाम्यहम परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। धर्म संस्थापन करने के लिए मैं पुनः पुनः युग युग में अवतरित होता हूँ। इसलिए इस सनातन धर्म में विशेष रूप से पूरी तरह नया कुछ देने का कुछ नहीं है। वही पुराने जो सनातन धर्म वो अनंत काल से चलता रहता है, उसके लिए लेकिन पुनः पुनः स्थापना करना जरूर पड़ता है। जो कोई चीज़ है उसके ऊपर संपूर्ण रूप से धूल है, उसको तो साफ करके रखने में जो आईना अच्छा दिखाएगा उसमें आपकी बहुत ही आपके सुंदर ढंग से देख पाएंगे। वैसे ही इस सनातन धर्म भी बहुत ही ऐसी सौ सौ साल की बाद जब मनुष्य लोग अपना कर्तव्य भूल जाते हैं, धर्म की अच्छे से समझना भूल जाते हैं, उस समय नया कुछ ऐसे कोई महापुरुष के आगमन की जरूरत पड़ जाता है, उसी से वो आते हैं। लेकिन ठाकुर श्री रामकृष्ण देव के बारे में कुछ कहना भी मुश्किल है, क्योंकि एक बार गिरीश घोष उनको पूछा, आप क्या स्त्री ना पुरुष बताइए, तो श्री रामकृष्ण बोला, मैं भी नहीं जानता हूँ। क्यों? श्री रामकृष्ण देव शरीर मन की स्तर बहुत पहले छोड़ चुके थे,
वो हमेशा ऐसे कोई आध्यात्मिक जगत में रहा करते थे जिस जगत में शरीर मन की कोई संबंध नहीं है, वो शरीर मन की पर कोई अवस्था की जगह है। इसीलिए खुद भी ऐसे कोई स्त्री पुरुष भेद उनके मन में कभी भी नहीं रहता था, क्योंकि शरीर मन की साथ कोई संपर्क उनका नहीं होता था। फिर भी श्री रामदेव का सब नज़दीकी जो रहते थे वो भी बहुत तरीका उनका परीक्षा करते थे। उदाहरण स्वरूप नरेंद्रनाथ उस ठाकुर का इतनी अनुगत थे, लेकिन उन्होंने भी बहुत बार ठाकुर का परीक्षा किया था। इतना तक नहीं, अंतिम समय 2-3 दिन बाद ठाकुर महासमाधि प्राप्त होने वाले थे, उस समय भी नरेंद्रनाथ सोचा अभी उन्होंने अभी ठाकुर स्वयं बताएंगे वो कौन है, तब मैं विश्वास करूंगा। तुरंत श्री रामकृष्ण ने बताया, नरेन अभी भी तुम्हारा मन में संदेह है, जो राम रूप लेके आया था वो कृष्ण रूप लेके आया था, वही ये शरीर में राम कृष्ण रूप लेके आए, लेकिन तुम्हारा वेदांत की विचार के अनुसार नहीं है, ऐसे उन्होंने बताया। इसलिए ये रामकृष्ण जो अवतार, ये रामकृष्ण जो फिनोमिनन कहते हैं, इसका समझना साधारण नहीं है, मुश्किल है। लेकिन से एक चीज स्पष्ट है, एक बहुत सार्वजनिक कुछ चीज़ है, ताकि इसके माध्यम में सबको फायदा है, सबको इसमें कुछ मिलना है। क्योंकि आप श्री रामदेव की क्या कहें, आप क्या सन्यासी कहें ना गृहस्थ कहें, क्योंकि त्याग, ऐसा त्याग ये धरती पे कभी भी नहीं दिखा गया। बाद में क्या दिखा जाएगा कि मालूम नहीं है, क्योंकि सन्यास का विशेष भूषण क्या है, आभरण क्या है, त्याग। इसलिए किसी ने माँ को पूछा, माँ ठाकुर का जीवन का विशेषता क्या है, उन्होंने तो धर्म संबंध में किया था। माँ बोला, बेटा वैसे वो कोई मतलब करके उन्होंने नहीं किया, हमेशा सत्य की वो ढूंढते थे, वही ढूंढने में उसकी वजह से विभिन्न धर्म के मार्ग पे चलना पड़ा, जो सत्य उन्होंने आविष्कार किया, उपलब्ध किया, उसकी वजह से धर्म समय उन्होंने स्थापना किया। सिर्फ उन्होंने कोई ऐसे कोई सोच समझ के कोई मतलब से नहीं किया, लेकिन माँ भी स्वयं कहा उनका जीवन का विशेष आभरण, विशेष भूषण है त्याग। इसीलिए क्या संन्यास जीवन का भी मूल तो त्याग है, ऐसे त्यागी उसका सन्यासी बोलना भी कम ही होगा। लेकिन हमेशा सफ़ेद कपड़ा पहनते थे, ऐसे कोई विशेष रूप से कोई ऐसे कोई घर पे रहते थे, जूता पुता व्यवहार करते थे, और उनका धर्म पत्नी भी था। यद्यपि उन सबको संपर्क दो को किसी वक़्त धरती का कुछ नहीं था, एक आध्यात्मिक संबंध भी था, लेकिन साधारण दृष्टि में वो तो एक विवाहित जीवन था। इसीलिए श्री रामकृष्णदेव का समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनका जो उनकी चरण में जो शरण लिया, उनकी शरणागति श्लोक है, उन सबका जीवन में दिखा गया बहुत सुंदर एक परिवर्तन, जिसके माध्यम में सब धीरे धीरे अपना जीवन के लक्ष्य की तरह आगे चल पा रहे। तो ये रामकृष्ण जो परंपरा की जो विशेषता, मेरे ख्याल से विशेष रूप से इस कारण से बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है, विशेष है, यही है उनका अनुग्रह शक्ति। ये अनुग्रह शक्ति के माध्यम में जो भी आ रहे हैं सबको उद्धार होने का संभव है। हम इसकी चर्चा में 2-4 जीवन का विशेष रूप से हम लोग विश्लेषण करके देखेंगे क्या हम लोग समझ पा रहे हैं। पहले आप मास्टर महर्षय महेंद्रनाथ गुप्ता के जीवन देखिए, उन्हें तो ठाकुर के पास में ऐसे कोई सोच समझ के नहीं आया। इसलिए मैं कहता हूँ ये अनुग्रह शक्ति का यही विशेषता है, खुद ही खींच लेते हैं, इसके अंदर आना एक अद्भुत
एक अद्भुत चीज है, क्योंकि कई लोग, हम सबको भी अंदर आप, हम लोग अब बैठ के विचार करें, कैसे हम लोग एक रामकृष्ण भावधारा, एक प्रवाह में कैसे हम लोग आगे हैं, खुद ही ठीक से नहीं भूल पाएंगे, कैसे वैसे हम लोग आगे हैं। लेकिन जैसे एक बार आया, ठाकुर उनका जरूर पकड़ के रखेंगे, उनका निकलना नहीं देंगे जब तक वो जीवन का अंतिम लक्ष्य तक पहुंच पाएगा। तो आप विशेष रूप से मास्टर्स के जीवन देखिए, उन्होंने तो आत्महत्या करने के लिए अपना पति के साथ, पत्नी के साथ उनका भतीजा के घर आया था बरानगर पे। तो दो चार दिन की बात, एक दिन वो और भतीजा दोनों निकले, दिन भर इधर उधर बहुत घूमने लगे। जब शाम होया हो गया, उस समय वो भतीजा बताया, देखिए यहाँ नज़दीक एक सुंदर बगीचा है, वहाँ एक सुंदर मंदिर है, वहाँ एक महापुरुष रहा करते हैं, हम लोग जाके दर्शन करें। साधारण दिन भर घूमने के बाद वैसी उनकी मानसिक स्थिति, क्या बोलते थे साधारण, अरे रहा कर, बहुत बहुत ओचका है, चलो अभी ज़रूरत नहीं है, बहुत हो गया, तुम चलो वापस। लेकिन माँ समझ बोला, नहीं चले हम लोग। दोनों आया सीधा आके ठाकुर का घर के सामने उपस्थित हो गए। जैसे मास्टर मशे अंदर देखा, उनका मन में एक अद्भुत एक अनुभव हुआ। लिख रहे हैं, लग रहा था स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपना शिष्य लेके कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं। दूसरा अनुभव हुआ, स्वयं सुखदेव भागवत की व्याख्या कर रहे हैं। पहले बार जो देखा उसी समय ऐसे मन के ऊपर ऐसी प्रभाव पड़ा, वो निकल नहीं पाए। धीरे धीरे आए, हम लोग जानते हैं बहुत ठाकुर पहले पहले उनको डांटा, लेकिन धीरे 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 उनका जीवन में परिवर्तन आने लगा। श्री मास्टर मशाय वचनामृत के अंदर बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन अपना नाम लिखते हैं नहीं लिखते हैं। कई बार उन्होंने पूछा, ये संसार में रह के क्या भगवान लाभ करना संभव है? हमेशा ही ठाकुर कहते थे संभव है। उसके लिए बहुत सारा आयाम भी बता देते थे। लेकिन एक बार मास्टर ने पूछा, लेकिन किसी व्यक्ति को, साधक का अपना परिवार इस सब को विरुद्ध है, सहायता नहीं कर रहा है, क्या करना है? सबको सामने पहले श्री रामकृष्ण ने तुरंत बोल दिया, ऐसे संसार के त्याग करो, ऐसे परिवार के त्याग करो। तो मास्टर से सुन के स्तंभित हो गए, कैसे संभव है? मैं सबको छोड़ के आ जाऊँ तो सब भूखा मरेंगे, क्योंकि वहाँ कोई दूसरी का कोई आय फाय कुछ नहीं था, सब कुछ तो मास्टर से खुद ही करते थे। ऐसी अवस्था में कैसे बचेंगे इन लोग? ऐसे चुप बैठे थे। लेकिन ठाकुर एक दो मिनट की बात उनका खूब नज़दीक आ गया, सिर्फ उनको कान में ही बोला, देखो किसी को भगवान के प्रति सच्चाई से मन है, सब उनका ऐसे आयत में, उनका सहायता में, उनका पक्ष में आ जाएगा। दुष्ट राजा, दुष्ट प्रवृत्ति, ऐसे कोई परिवार, सब उनका पक्ष में आ जाएगा। यही सुन के वो आसपास हुए, निश्चित हुए। इसलिए ठाकुर का अद्भुत ढंग से सबको अपना तरह खींचना, एक ऐसे कोई आध्यात्मिक पथ में आगे चलने की सहायता करा। अपना अपना ढंग से अलग अलग वो माध्यम वो ढूंढते थे, दिखाते थे, लेकिन सबको इसी अनुभव होता था, हाँ मैं सचमुच आगे चल रहा हूँ। इनकी मसमशे तो बहुत संग्राम किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन बाद में जैसे ठाकुर की महासमाधि के बाद भी बहुत साल वो जीवित रहे, लेकिन धीरे 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 सब अनुभव किया, कैसे महापुरुष उनके द्वारा प्रभावित होके बहुत लोग आध्यात्म जीवन में प्रवेश कर पाए। यही था मास्टर का ऐसे कोई एक अद्भुत जीवन। अब दूसरी एक घटना देखें, गिरीश घोष तो खुद नहीं आया, ठाकुर किसी को उनके पास भेजा, मैं गिरीश घोष के साथ मिलना चाहता हूँ। तो वो तो ऐसे धर्म परम नहीं मानते थे, बहुत अच्छे अच्छे नाटक लिखते थे,
दे के लोग बहुत अश्रु विसर्जन करते थे, बहुत रोते थे, क्योंकि इतना सुंदर लिख पाते थे चैतन्य चरितामृत वगैरह, लेकिन वो सब धर्म परम में नहीं विश्वास करते थे, बहुत शराब पीने वाले थे, बहुत दुश्चरित आदमी थे। जैसे कोई दूत आया उनका इतना गालियाँ दी, गिरीशचंद्र घोष हो तो ठाकुर के पास आके बोला आप किसके पास मेरे भेजा, ऐसा गालियाँ दिया मैं तो आपको बोल नहीं पाऊँगा। श्री रामकृष्ण सिर्फ मुस्कुराया, बोला तुम आज फिर जाओ। दूसरा दिन अगले दिन फिर आया, गिरीश घोष चकित हो गए, ऐसा कि संभव क्या, ये जरूर को बड़े कोई महापुरुष होंगे, ये तो बिल्कुल पागल होंगे। कल मैंने जैसे जो भाषा बोला उसके बाद भी मेरे पास किसी को भेज रहे हैं, वही उत्सुक से उन्होंने ठाकुर के पास आया। लेकिन आते 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 धीरे 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 बहुत उनका संग्राम करना पड़ा, बहुत प्रयास करना पड़ा, ठाकुर साबित बहुत उन्होंने जागर किया, गालियाँ दी, लेकिन ठाकुर छोड़ा नहीं उनका, बिल्कुल छोड़ा नहीं। ऐसे भी होता था एक बार आए शराब पी के आए, उस अवस्था में ठाकुर के पास आए, लेकिन ठाकुर बोल रहे हैं देखो वो बोतल गाड़ी में छोड़ के आया, लेके आओ अभी मांगेगा, इतना था ठाकुर का उसके प्रति स्नेह। सो ये सब का कैसे हम लोग पता चला क्या हुआ, अंत में ठाकुर तो चले गए। बहुत कई साल के बाद जब उनका ऐसे कोई टीबी बीमारी पकड़ा, उस समय तो टीबी का कोई चिकित्सा नहीं था, उनका रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम में आके छोड़ के गए, इस अर्थ में क्योंकि उस समय तो विशेष रूप से सब मानते थे काशी में मरने में सबको मुक्ति मिल जाएगी। सो गिरीश घोष वहाँ रहा करते थे, अंतिम समय के लिए अपेक्षा करते थे। बनारस में साधु संत लोग सुबह उठ के 3 बजे 3:30 बजे पहले जाके गंगा जी में स्नान करके विश्वनाथ दर्शन करके आश्रम में आते हैं, लेकिन जब तक गिरीश घोष वहाँ रहा करते थे विश्वनाथ जी मंदिर से सीधा आके गिरीश घोष के दर्शन करते थे। तो गिरीश घोष बोल रहे हैं देखिए प्रभु का लीला, इसके अधिक आश्चर्य क्या हो सकता है, मेरी तरह दुश्चरित व्यक्ति ऐसी उनकी महिमा से ऐसे परिवर्तन मेरा जीवन में आया, अभी सर्वत्यागी सन्यासी लोग विश्वनाथ गंगा जी में स्नान करके विश्वनाथ जी के दर्शन करके मेरे दर्शन के लिए आ रहे हैं। इसलिए इस तरह हर एक का जीवन में ठाकुर के साथ जो जितने लोग नज़दीक थे सबको अद्भुत ढंग से परिवर्तन हम लोग देख पा रहे हैं। फिर एक सन्यासी शिष्य का एक उदाहरण देके हम लोग इस वाणी को विराम में देना कोशिश करूँगा। राजा बाद में जो राजा महाराज बने वो तो बहुत ही एक आध्यात्मिक एक ऐसे कि उनका ठाकुर आध्यात्मिक शक्ति की प्रभाव की देख पाए, वो जानते थे बहुत बड़ा महापुरुष बनेंगे बाद में, लेकिन वो कई बार ठाकुर की बताते थे मेरा कोई आध्यात्मिक अनुभूति नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ, मेरा कुछ करिए। ठाकुर हमेशा बताते हैं हाँ होगा होगा होगा। एक दिन दक्षिणेश्वर में वो ठाकुर का पैर में वो तेल मालिश कर रहे थे, उस समय ही प्रसंग उन्होंने फिर उठाया। ठाकुर तो जानते थे किस बीमारी का क्या चिकित्सा दरकार जरूरत है, क्या दवाई जरूरत है, तुरंत बताया, उनका कुछ डांट दिया ठाकुर। राजा तो एक जमींदार घर का लड़का थे, इतना गुस्सा आया उन्होंने वही जगह पे वो तेल का शीशी वहाँ थोड़ा तोड़ के निकल पड़ा। लेकिन दक्षिणेश्वर में वो गेट तक गया, उस समय देख रहे हैं उसका पैर में कोई कुछ बांध दिया, अगले एक चरण भी नहीं ले पा रहे। तब तक श्री रामकृष्ण देव रामलाल दादा का भेजा, वो देखे चलो चलो तुमको बुला रहे हैं ठाकुर। जब वापस आया बोले क्या तुम जा पाया, जाना क्या संभव हुआ तुम्हारा। इसलिए ठाकुर हरेक का जैसे एक बार वो ठाकुर का जो वृत्त में आया उनकी प्रभाव में आया उनका निकलना नहीं देते थे, सबको जीवन का अंतिम लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देते थे। लेकिन हम सबको मन में यही संदेह आ सकता है हम सब तो ठाकुर के साथ साक्षात्कार नहीं हुआ, हम लोग का क्या होगा। लेकिन ठाकुर का जो परंपरा ठाकुर का जो ट्रेडिशन अभी भी अटूट चल रहा है,
जो उनका नाम पे, उनकी वाणी पे, उनके जीवन की घटनाएं पढ़ के ऊर्जा उत्साह से उद्बुद्ध होके सच्चाई से साधन करने के लिए प्रयास करेंगे, सबको ठाकुर अपनी असीम अपार कृपा से जीवन का अंतिम लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देंगे। यही हम सबको विश्वास है, क्योंकि नहीं तो एक इतनी बड़ी महापुरुष, क्या उनका सिर्फ जो अंतरंग जो शिष्य थे उनके लिए आए हैं? नहीं, ऐसे कोई विशेष विशेष एक उदाहरण रूप स्थापना करने के लिए इस सबको जीवन के साथ ऐसे कुछ घटना हुआ था। लेकिन उसके बाद भी उनका महासमाधि के बाद भी बहुत लोग ठाकुर की कृपा से बहुत सारा आध्यात्मिक अनुभूतियाँ अनुभव किए। हम सब भी ठाकुर के नाम लेके सच्चाई से विश्वास से साधना करें, हम सबको भी जीवन में धीरे धीरे अध्यात्म लक्ष्य की तरह आगे चलने के लिए ठाकुर जरूर कृपा करेंगे, सहायता करेंगे। यही आशा से, यही प्रार्थना से मेरा वाणी की विराम देता हूँ। नमस्कार। अभी हमने पूज्य महाराज जी से सुंदर व्याख्यान सुना। मैं रामकृष्ण मिशन वडोदरा की ओर से और आप सभी भगवती प्रेमी भक्तों की ओर से पूज्य महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ, और आगे भी उनका मार्गदर्शन की कृपा हमें प्राप्त होती रहेगी ऐसी प्रार्थना करता हूँ। आइए अब हम स्वामी योग सिद्धानंद जी महाराज, जो कि रामकृष्ण मिशन वडोदरा के ही एक वरिष्ठ सन्यासी है, उनके श्वास से स्वामी ब्रह्मानंद कृत ध्यान धर्म साधना इस पुस्तक से कुछ पठन सुनेंगे। ध्यान धर्म तथा साधना, स्वामी ब्रह्मानंद जी के उपदेश। साधन भजन की पहली अवस्था में कुछ नियमों का पालन करना बहुत अच्छा है। इतने समय तक जप करूंगा, इतने समय तक ध्यान करूंगा, इतने समय तक पाठ करूंगा इत्यादि, अच्छा लगे या ना लगे, मैं अपने नियम का अवश्य पालन करूंगा। इस प्रकार का एक हट रखना चाहिए। कुछ दिन इस तरह करने से अभ्यास हो जाता है। जैसे अभी जब ध्यान करना अच्छा नहीं लगता, उस समय ठीक उल्टा होगा। तब जब ध्यान नहीं करने से मन में बेचैनी होगी। जब मन की ऐसी अवस्था होगी, तब समझना कि तुम लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़े जा रहे हो। भोजन ना मिलने से, नींद ना लेने ले सकने से जैसे कष्ट होता है और मन छटपटाता है, भगवान के लिए जब मन की ऐसी ही अवस्था होगी, तब समझना कि वे तुम्हारे सन्निकट है। पहले अमृत की खोज कर लो, अमर हो जाओ, फिर जो भी हो होने दो। वे चाहे कूड़े पर रखे या सिंहासन पर बिठाए, कोई हर्ज नहीं। एक बार पारस मणि को छूकर लोहा के सोना हो जाने से फिर कोई चिंता नहीं। उसे चाहे मिट्टी में गड़ाकर रखो या संदूक में ताला लगाकर, सोना सोना ही रहेगा। ठाकुर कहते थे, अद्वैत ज्ञान को आंचल में बांधकर जो इच्छा हो करो, अर्थात ज्ञान भक्ति का लाभ कर उन्हें जान लेने से फिर जो भी काम क्यों न करो, उससे तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। तब गलत रास्ते में पैर नहीं जाएगा। सन्मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं, महामाया सहज ही नहीं छोड़ देती। उनकी कृपा पाने के लिए खूब रोना पड़ता है, खूब प्रार्थना करनी पड़ती है। पूर्व जन्मों के कितने संस्कार भरे हुए हैं और फिर इस जन्म में भी थोड़े बहुत संचित हो रहे हैं। सारा जीवन इन संस्कारों के साथ लड़ाई करते हुए बिताना होगा। संस्कारों के साथ जितना अधिक लड़ोगे, वे संस्कार भी तुम्हें
उतने ही अधिक जोर से धक्का देते रहेंगे। उस समय उद्देश्य को ना भूलकर जो अपने लक्ष्य को पकड़कर बढ़ता जाता है वही विजयी होता है। मनुष्यों के अंदर दो वृत्तियां हैं, कु और शु। इन दोनों में खूब लड़ाई होती है। एक भोग की तरफ खींचना चाहती है और दूसरी त्याग की ओर ले जाना चाहती है। इनकी हार जीत पर मनुष्यों का मनुष्यत्व और पशुत्व निर्भर करता है। भोग वासनापूर्ण संसार में मनुष्य अपनी आँखों के सामने नाना प्रकार के विषयों को देखकर इतना मुग्ध हो जाता है कि वह यह सोचने की आवश्यकता नहीं समझता कि इसका और भी एक दूसरा पहलू है। वह सोचता है जब यह निश्चित ही नहीं कि कभी कुछ होगा या नहीं तो फिर मिली हुई चीज़ों को क्यों त्याग दूँ, अर्थात भगवान लाभ होगा या नहीं, सच्चा आनंद मिलेगा या नहीं, इसका जब कोई निश्चय नहीं और जब संसार का भोग करना मेरी शक्ति के भीतर की बात है तो फिर उसे क्यों छोड़ूं? यह सोचकर वो आग में कूद पड़ता है। आखिर में जब वो जल भूनकर भस्म होने लगता है तब सोचते हैं कि मैंने ये क्या किया, तब शांति चाहता है। अति विलंब से चाहने पर शांति पाएगा कहाँ से? संयमहीन जीवन बिताकर उसने अपने को ऐसे स्वभाव का दास बना लिया है कि इच्छा होने पर भी अब कुछ करने का उपाय नहीं है। आइए अब हम स्वामी आत्मज्ञानंद जी महाराज जी से आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करें। पूज्य महाराज के ऊपर माँ की विशेष कृपा है, जैसा कि स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जो अच्छा साधु है वो अच्छा खाना बनाना जानता है, या जो अच्छा खाना बनाना जानता है वो ज़रूर अच्छा साधु बन सकता है। तो महाराज अलग अलग प्रकार के अनेक व्यंजन बनाने में पारंगत है, और वो भी क्वांटिटी में, यानी अनेक लोगों को भोजन करवाना है तो भी महाराज अकेले रसोई बनाते हैं और उनके हाथ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। मुझे बहुत बार ये लाभ प्राप्त हो चुका है। और उतने ही महाराज प्रेमी भी है, बहुत प्रेम करते हैं, और उतना ही सुंदर उनका स्वर भी है, बहुत सुंदर भजन भी गाते हैं महाराज। हम आशा करते हैं कि भविष्य में कभी ऑफलाइन शिविर हुई तो उनके द्वारा हम भजन और भोजन ये दोनों का आनंद प्राप्त कर सके, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो आइए पूज्य महाराज जी से आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करें। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ओम यथाग्नेर्दाहिका शक्तिः रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। पूज्य मायातीतानंद जी महाराज जी को प्रणाम कहते हुए ये भक्त सम्मेलन में बोलने का अवसर जिन्होंने दिए मुझे, प्रिय भाई इष्टमयानंद जी महाराज, उनको भी मैं नमस्कार शुभेच्छा कहता हूँ, और दर्पहानंद जी महाराज, जो भी साधु ब्रह्मचारी लोग वहाँ पर है वडोदरा सेंटर में, सभी को मैं मेरा शुभकामनाएं, नमस्कार शुभेच्छा कहता हूँ। और ये जो बहुत सुंदर अवसर है कि आध्यात्मिक शिविर
जिसमें आप सब भक्त लोग एकत्रित होके भगवान का नाम लेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे। ये तो बहुत अच्छा एक मौका है भगवान का ध्यान करने का। तो इस अवसर पर बोलने का मौका मुझे भी मिल गया, ये तो मुझे बहुत आनंद हो रहा है। तो आध्यात्मिकता के बारे में, आध्यात्मिक शिविर के बारे में, स्पिरिचुअल रिट्रीट जिसको कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। तो रिट्रीट या जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं रिट्रीट, तो इसका अर्थ है कि पीछे लौटाना, टू मूव बैक, टू विड्रॉ, तो पीछे आने के लिए, या टू कम बिहाइंड, टू वॉक बिहाइंड, इसको रिट्रीट कहते हैं। तो जब युद्ध होता है, तो कोई संकट परिस्थिति आता है, तब तो वहाँ से वापस चले जाना, टू बिकम मोर स्ट्रांग, टू बिकम, टू ऐड ऑन टू द स्ट्रेंथ, और सब फोर्सेस को लेके सामना करने के लिए चलना, फिर से चलना, ये है इसका मतलब। कि आर्मी वगैरह जब बॉर्डर एरियाज़ में या युद्ध समय में, तो पीछे आके फिर थोड़ा गन वगैरह हो सकता है, एम्यूनिशन हो सकता है, या और कोई सोल्जर्स का फोर्स जो है उनको लेकर फिर से अटैक के लिए जाते हैं, इसको रिट्रीट कहते हैं, ये एक अर्थ है। तो अभी आध्यात्मिकता के बारे में अगर हम सोचेंगे रिट्रीट के मतलब क्या है, तो प्रापंचिक विषय वस्तुओं का आकर्षण या उनका जो टेम्पटेशन है, तो प्रापंचिक बुद्धि से अगर हम पीछे जाएंगे, आध्यात्मिक बनने के लिए और भी ज़्यादा भगवान के ऊपर भरोसा, भगवान के ऊपर श्रद्धा बढ़ाने के लिए, तो अगर हम अंतर्मुखी बनेंगे, मन को और अंदर ले जाएंगे, तो भगवान की ओर हम अगर मन को घुमा देंगे, तो ये है रिट्रीट, आध्यात्मिक रिट्रीट, आध्यात्मिक जो अंतर्मुखी बनने का कोशिश, दिस इज़ द स्पिरिचुअल रिट्रीट जो हम करने का कोशिश करते हैं। तो जब भी भगवान श्री रामकृष्णदेव के पास भक्त लोग आते थे, तो युवक जो भक्त लोग जो बाद में सन्यासी बन गए, वे भी जब आते थे, श्री रामकृष्णदेव कहते थे, देखो तो जब कोई ज़्यादा नहीं आते हैं, तो छुट्टी के दिन, तो जैसे संडेज और सैटरडेज में ज़्यादा लोग आते हैं, तो वीकडे में, तो हफ्ता में जो सब लोग व्यस्त रहते हैं तो काम में, तब तुम आ जाना, तो आके तुम मुझसे थोड़ा मुलाकात करो, तो फिर अच्छा बात कर सकते हैं, तो समय ज़्यादा मिलता है, तो ख़ास बात इसके समय हो सकता है। तो और भक्तों को भी भगवान श्री रामकृष्णदेव ने कहते थे, तो बीच बीच में यहाँ पर आना है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा भगवत कथा होता है, तो कितना कीर्तन होता है, कितना भगवान का नाम होता है, ये सब सुनने से, ये सब पार्टिसिपेट करने से आप लोगों का भक्ति बढ़ेगा, तो भगवान के बारे में आप पहचाने, आप ज़्यादा समझेंगे, तो ये भगवान श्री रामकृष्णदेव ने कहते थे। इसलिए तो भक्तों के बीच बीच में आने के लिए बोलते थे, और ये भी कहते थे श्री रामकृष्णदेव ने, तो हमको बीच बीच में कहीं पे एक लोनली प्लेस, जहाँ पर कोई नहीं है, तो शांत जगह में बैठ के सोचना है कि मन कितना आकर्षित हो गया है कि प्रापंचिक वस्तुओं के प्रति, और भगवान के लिए कितना हमारा सोच विचार जाता है, हाउ मच आई कैन थिंक अबाउट गॉड, हाउ मच माई माइंड इज़ एबल टू थिंक अबाउट गॉड, हाउ मच टाइम आई एम एबल टू स्पेंड इन थिंकिंग अबाउट गॉड, इसके बारे में सोचने के लिए भगवान श्री रामकृष्णदेव कहते थे। तो कभी कभी बीच बीच में कोई एकांत स्थल में जाना है, एकांत जगह में जाना है, वहाँ पर बैठना है, नदी के पास या पर्वत के पास, ये सब देखने से तो ब्रह्माकार वृत्ति होता है करके श्री रामकृष्णदेव कहते थे। तो मोने कोने व बोने, तो कोई जंगल के अंदर हो सकता है, कोई पेड़ के नीचे, तो शांत जगह में, नहीं तो अगर ये सब नहीं हो सकता है, तो बस कमरे के अंदर कुछ समय बिताना है, तो सोचने में कि भगवान के प्रति मेरा आकर्षण कितना ज़्यादा हो रहा है,
तो मेरा जीवन कैसे बीत जा रहा है, तो पिछले साल इसी समय में मेरा मन कैसे था, कैसे चिंता आता था मेरे मन के अंदर, तो अभी तो एक साल के बाद भगवान की कृपा कैसे फल हो रहा है, कैसे इट इज़ टेकिंग इफेक्ट, हाउ मच इफेक्ट हो रहा है, भगवान की कृपा कैसे हो रहा है मेरे ऊपर, ये समझने के लिए बीच बीच में इंट्रोस्पेक्शन जिसको कहते हैं, रिफ्लेक्शन जिसको कहते हैं, तो इसको संस्कृत में बहुत अच्छा एक शब्द है, सिंहावलोकनम। तो इसका मतलब है जब सिंह चलता है ना, तो वो क्या करता है, तो बीच बीच में पीछे खड़ा होकर ना पीछे देखता है, तो कौन पीछे आ रहा है, क्या हो रहा है, तो मेरे साथ में जो थे, मेरा जो और सब सिंहिनी सब थे, वे सब पीछे में आ रहे कि नहीं, देखने के लिए तो लुक बैक करता है। तो ऐसे तो संस्कृत में कहावत है सिंहावलोकनम, जीवन के बारे में भी हमें देखना चाहिए कि कैसे मेरा प्रगति हो रहा है, कैसे मेरा भगवान के ऊपर भरोसा ज़्यादा हो रहा है, हाउ मच आई एम एबल टू डिपेंड ऑन गॉड, श्रद्धा कैसे बढ़ रहा है, ये रिट्रीट का मतलब है, दिस इज़ द मेन पर्पस ऑफ ए रिट्रीट। तो और एक दूसरा बहुत मुख्य बात है, तो रिट्रीट के अंदर जब हम एनरोल करते हैं, जब हम रिट्रीट में जाते हैं, तो ये सब प्रोग्राम में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो देखिए ना कितना अच्छा से, तो हम सब भक्त लोग एक साथ में बैठते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो कौन जात है, कौन कौन धनी है, या कोई गरीब है, या कौन जात से आया है, तो वो कब दीक्षा है, कौन गुरु है इनका, कोई पता नहीं, बट हम एक साथ में बैठते हैं केवल भगवान का नाम लेने के लिए, भगवान का नाम का आनंद लेने के लिए हम एक साथ में बैठते हैं, एक साथ में खाते हैं, एक साथ प्रसाद लेते हैं, तो कितना आनंद का बात होता है। तो इससे क्या होता है, तो ये मन में ये आ जाएगा कि हम सब एक कुटुंब है, एक परिवार है, तो भगवान मेरा माता पिता है, तो त्वमेव माता पिता त्वमेव जैसे हम कहते हैं, तो वैसे ये जो बोध, ये जो भाव आ जाएगा, दृढ़ होगा कि सब हम सब एक है, भगवान के भक्त के बीच में कोई जात विचार धनी मानी ये सब कोई फर्क नहीं है, जैसे श्री रामसुदेव चाहते थे, कहते थे कि भक्त लोग सब एक जात है, तो भगवान के ऊपर अगर भक्ति है तो श्रद्धा है, तो बस और कुछ ज़रूरत नहीं है, तो और कुछ सोचने का बात नहीं है, ये भी एक बहुत अच्छा फल है रिट्रीट से। और एक दूसरा जो लाभ है, तो भगवान की कृपा कैसा है मेरे ऊपर ये समझने के लिए रिट्रीट बहुत सहायता करता है। तो एक दृष्टांत अगर हम देखेंगे कि एक गुरु के पास कुछ शिष्य रहे, तो और एक बार ये जो शिष्य लोग रहे, तो उनसे एक ने गुरु को पूछा कि महाराज तो हमें पता नहीं पड़ रहा है कि कितना फ़र्क हो रहा है, तो मन के अंदर क्या सुझाव आ रहा है ये तो पता नहीं आ रहा है, तो कैसे समझेंगे हम साधु संग व गुरु का संग, कैसे समझेंगे इसका मतलब, कैसे समझेंगे इसका फल, कैसे समझेंगे। तो गुरु ने बोला कि ठीक है, तो कुछ समय के बाद आ जाइए तो मैं आपको समझाऊंगा। तो कुछ समय के बाद ये शिष्य लोग आए गुरु के पास, गुरु ने बोले कि चलो तुम मुझसे मेरे साथ चलो। तो पास में ही एक तालाब था, तो तालाब के पास गुरु ने ले गए, तो ये सब तो बहुत बार वहाँ पर गए थे, तो तालाब के जान तालाब को तो पहचानते थे, तो नया कुछ नहीं था। तो शिष्य लोग ने बोल रहे, तो अच्छा ये तालाब तो हम जानते, तो यहाँ पर तो बहुत बार आए हैं हम, तो इसमें क्या है। तो गुरु ने बोला, तो अच्छा से देखो क्या है, तालाब के बीच में ये लोग देख रहे थे, तो एक बड़ा पत्थर तैर रहा था। तो शिष्य लोग ने देखा कि अच्छा पत्थर कैसे पानी के ऊपर तैर रहा है, तो क्या मतलब है इसका, कैसे ये जो अजीब चीज़ कैसे हो रहा है, पत्थर कैसे तैर सकता है। तो गुरु ने बोला, देखो तो और भी नज़दीक से देखो क्या हो रहा है। तो ये शिष्य लोग ने और भी नज़दीक गए, तालाब के नज़दीक गए, और देखा कि वो कुछ लकड़ी के ऊपर, तो लकड़ी को बांध के वहाँ पर रखा था पानी के ऊपर, और उसके ऊपर ये पत्थर तैर रहा था।
तो शिष्य लोग ने कहा, तो ये तो क्या बात है, इसमें तो कुछ ये नहीं है, अजीब बात नहीं है, तो लकड़ी तो पानी के ऊपर रहता है, तो बस वैसे पत्थर को ऊपर रख दिया आपने, तो फिर इसमें समझने का क्या बात है, तो ये तो होता ही है। तो गुरु ने बोला, देखो पत्थर का स्वभाव है नीचे चले जाना, पत्थर तो डूब जाएगा, तो इसका स्वभाव ही है क्योंकि उसका वजन ज़्यादा है। तो वैसे ही आदमी लोगों का मन के अंदर विषय बुद्धि तो होता ही है, देह बुद्धि होता ही है, तो मन के अंदर विषय चिंता तो होता ही है, तो स्वाभाविक रूप से ही हम दुनिया के बारे में सोचते रहते हैं, तो बहुत सारे चीज़ों के बारे में सोचते हैं, भगवान से विमुख हो जाते हैं। तो जब सत्संग में आता है, गुरु की कृपा जब होता है, जब अच्छे भक्त लोगों के साथ हम रहते हैं, तब क्या होता है, तो मन ऊंचाई में ही रहता है, मन ये समुद्र, ये जो भवसागर है, उससे ऊपर में ही रह सकता है, तो भगवान का चिंता कर पाता है, तो उसका जो स्वाभाविक रूप है उसको वो भूल जाता है और भगवान की ओर चलने का उसका शक्ति बढ़ता है। तो पत्थर जो नीचे चले जाना था तो वो भी तैर रहा है। तो ये भक्त लोगों का संग का, सत्संग का महिमा है करके गुरु ने समझाया। ये देखिए, तो इतना आसानी से हम एक घंटा, दो घंटा, सारा दिन, पूरा दिन या एक हफ्ता, जब ये जो रिट्रीट वगैरह होता है, तो एक हफ्ता, तीन दिन भगवान के लिए हम बिता सकते हैं। तो कोई जगह में आते हैं, रहते हैं, तो सब भक्तों के साथ मिलजुल कर भगवान का नाम लेते हैं, आनंद करते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा मौका है कि अगर हम घर में रहते थे या और कोई काम में रहते थे, तो बस सिर्फ प्रापंचिक चिंता, विषयी चिंता तो मन के अंदर रहता था। तो ये भक्त संग करने का मौका तो बहुत बड़ा भाग्य है, तो भगवान की कृपा इसी से होता है। तो भगवान ने कहा है भागवत में, जहाँ पर भक्त लोग मेरा नाम लेते हैं, जहाँ पर मेरा कीर्तन चलता है, जहाँ पर भक्त लोग एक साथ में बैठ के मेरा नाम लेते हैं, तो मैं वहाँ पर ही हूँ, आई एम मैनिफेस्ट देयर, मैं वहाँ पर रहता हूँ, तो भगवान आविर्भाव होते हैं वहाँ पर। तो भक्त लोग हैं भगवान का बैठक खाना, जैसे श्री रामकृष्ण कहते थे। तो जहाँ पर भक्त लोग श्रद्धा से भगवान का नाम लेते हैं, वहाँ पर ज़रूर भगवान का आविर्भाव रहता है, तो उनको महसूस कर सक पाएंगे हम, अगर मन को हम तैयारी करेंगे। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करना है कि ऐसे मौका ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिले कि हम भक्त के संग कर पाएंगे और भगवान के बारे में और भी ज़्यादा हम सोचेंगे, भगवान के बारे में ज़्यादा हम लेट अस नो मोर अबाउट गॉड। ये है तो रिट्रीट का अर्थ। और एक दूसरा बात रिट्रीट के बारे में सोचना है, तो देखिए भगवान श्री राम सुदेव जब दक्षिणेश्वर में रहे, एक घटना हुई, तो नरेन जो भविष्य में स्वामी विवेकानंद बने, वे आते थे वहाँ पर दक्षिणेश्वर में श्री राम सुदेव के पास में। तो एक दिन जब वहाँ पर आए, उन्होंने श्री राम सुदेव के पास आके बताए कि मुझे ध्यान करने में दिक्कत हो रहा है। तो पंचवटी में बैठ के ध्यान करने का कोशिश करते थे, तो श्री राम सुदेव ने शिष्य लोगों को यहाँ पर वहाँ पर भेजते थे, जाके ध्यान करो पंचवटी के नीचे या बेल पेड़ के नीचे, यहाँ पर वहाँ पर या मंदिर के पास भेजते थे, और देखते थे कैसे ये लोग ध्यान कर रहे हैं, तो इनका ध्यान हो रहा है कि नहीं, क्या दिक्कत हो रहा है। तो बाद में जब ये लोग आके बोलते थे कि ऐसे तकलीफ हो रहा है मुझे, तो श्री राम सुदेव ने कुछ मंत्र लिखते थे या और कोई सुझाव देते थे, टिप्स देते थे कि कैसे ध्यान करना है, क्या करना है, कहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो उनका मन में जो भी दिक्कत रहा तो वो सब हटाते थे, श्री राम सुदेव इनको मदद करते हैं थे। तो इन्हीं के पास ही यूज़ टू कीप देम एंड मेक देम मेडिटेट, मेक देम लिव अ स्पिरिचुअल लाइफ। देखिए जो शिष्य लोग आते थे तो उनको उन्हीं के कमरे में भी रहते थे, दे यूज़ टू स्टे विद श्री राम कृष्ण, ही यूज़ टू आस्क देम टू स्टे फॉर वन डे और टू डेज। तो कैसे ध्यान करना है, तो रात में उठाते थे, रात में बहुत कम नींद आती थी श्री राम सुदेव को,
और बीच बीच में आके इनको उठाते थे, तो यहाँ पर क्या सोने के लिए आए हो तुम, तो बस भगवान का नाम लेना, उठो बैठो ध्यान करो करके उनके साथ ऐसे उठाते थे और इंस्पिरेशन इतना देते थे। तो भगवान श्री रामचंद्रदेव के पास जब रहे तो स्वामी शिवानंद जी कहते थे कि जब हम भगवान श्री रामचंद्रदेव के पास जाते थे, उनके पास जब रहते थे, क्या आनंद का दिन था, कितना आध्यात्मिक अनुभूति श्री रामकृष्ण का देखते थे, समाधि कैसे होता है, भगवान का प्यार कैसे है, कैसे आदमी को खींचता है भगवान करके ये सब देखते थे। कितना आनंद का दिन था श्री रामचंद्रदेव के पास रहने से, तो हम लोगों को भगवान का प्यार क्या है, भगवान कैसे है, तो भगवान का भक्ति, भगवत भक्ति क्या है, ये तो समझ में आया। तो अगर ये सब नहीं होता था, भगवान के पास अगर हम नहीं रह पाते थे, तो ये सब समझ में नहीं आता था, कभी समझ में नहीं आता था करके शिवानंद जी महाराज कहते हैं। तो वैसे श्री रामचंद्रदेव इन सब शिष्यों को पास में रहने के लिए बोलते थे और शिक्षा देते थे। ही यूज़ टू ट्रेन देम। तो ट्रेनिंग का प्रोसेस में इतना होशियार थे श्री रामचंद्रदेव। और नरेन ऐसे एक दिन आया दक्षिणेश्वर में और बोला कि मुझे ध्यान नहीं हो रहा है, क्योंकि तो वो जो पास में जो फैक्ट्री है तो उसका जो साइरन है वो आवाज़ मुझे दिक्कत करता है, इट इज़ डिस्टर्बिंग मी, तो कॉन्सेंट्रेशन छूट जाता है, तो इसलिए तो ध्यान नहीं हो रहा है। श्री रामचंद्रदेव ने कहा तो क्या है, तो वही मन जो तुम यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है, तो वही मन से तो तुम ध्यान करोगे, जहाँ पर रहोगे वही मन तुम तुम्हारे साथ रहेगा, तो मन को अगर कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे तो ध्यान तो ऐसे ही हो जाता है। वो जो साइरन का आवाज़ है जो तुम्हारा मन को डिस्टर्ब कर रहा है, उसी के ऊपर तुम कॉन्सेंट्रेट करो। तो कोई चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, कर सकते हैं तो, और उसका डायरेक्शन अगर हम चेंज करेंगे तो भगवान के ओर, तो फिर वही कॉन्सेंट्रेटेड माइंड भगवान के पास चला जा सकता है। तो यह एक बड़ा शिक्षा श्री रामचंद्रदेव ने नरेन को दिया। तो जो तुम्हारे मन को डिस्टर्ब कर रहा है, जो थॉट तुम्हारा मन को डिस्टर्ब कर रहा है, उसी मन को चेंज करना है, मन का एटीट्यूड चेंज करना है। ये तो बहुत बड़ा एक एक्सप्लेनेशन श्री रामचंद्र ने दिया था नरेन को। और एक घटना है श्री रामचंद्रदेव के जीवनी में जो बहुत अच्छा है इसी के बारे में। तो एक बुढ़ी आई थी श्री रामकृष्ण के पास, तो वो महिला श्री रामचंद्रदेव के पास आकर बोली कि मुझे ध्यान नहीं होता है, तो मैं तो चाहता हूँ कि भगवान का ध्यान करूँ, भगवान का नाम लूँ, जप करूँ, परंतु भगवान का ध्यान मुझे नहीं हो रहा है, क्योंकि जब भी मैं ध्यान करने के लिए कोशिश करता हूँ तब मेरा जो पोता है, तो छोटा लड़का है, उसी का तस्वीर मेरे मन के अंदर आ जाता है, उसी का चिंता मेरे मन के अंदर आ जाता है, तो भगवान की ओर मेरा मन नहीं जा रहा है, तो कैसे तो मैं जो अटैचमेंट है, ममता है इसके बारे में, इसको कैसे मैं हटाऊँ, कैसे भगवान के ध्यान हो सकता है, तो सिखाइए करके उन्होंने आके बोला। श्री रामचंद्रदेव ने उनको नहीं डांटा कि नहीं बोला कि अरे तुम तो अटैचमेंट छोड़ना है, ममता छोड़ना है, ये करना है, वो करना है, भगवान ही सच है, ये सब कभी नहीं बताया श्री रामकृष्ण ने। श्री रामकृष्ण ने कहा तो ये तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा मन तो वो लड़के के पीछे जा रहा है, तो बस तुम सोचो कि वो लड़का भगवान कृष्ण है, बाल गोपाल है, तुम उसको नहा रहे हो, तुम कपड़ा पहना रहे हो, सजा रहे हो, खिला रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो सब समय सोचना है कि मैं भगवान कृष्ण को कर रहा हूँ, ये भगवान कृष्ण ही है इसके अंदर, तो भगवान का सेवा कर रहा हूँ मैं, जो भी कर रहा हूँ तो भगवान के लिए कर रहा हूँ, ये तो मेरा पोता नहीं है, मेरा भगवान का, भगवान इसी रूप में आकर मेरा सेवा ले रहे हैं, मेरा मुझसे प्यार से व्यवहार कर रहे हैं, तो मैं भगवान को ही प्यार कर रहा हूँ, ऐसे सोचो करके श्री रामचंद्रदेव ने उनको समझाया। और कुछ दिनों के बाद ऐसे साधना करते करते वो महिला साक्षात भगवान को महसूस कर पाई, तो वो जो लड़के के अंदर भगवान को ही महसूस करती थी, तो ऐसे उनका मन के अंदर प्रभाव सुझाव आ गया, ऐसे परिवर्तन हो गया, मन का तो डायरेक्शन चेंज कर दिया, एटीट्यूड चेंज कर दिया श्री रामचंद्रदेव ने। ये है श्री रामचंद्रदेव का कृपा। तो माँ शारदा देवी कहती है, एक बार कहती है कि देखो
पहले पहले जब हम साधना शुरुआत करते हैं तो ज्ञान के बारे में, तो आत्मविचार के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, भगवान के बारे में ज़्यादा सोचना है। तो भगवान का लीला कथन, लीला ध्यान करना है। तो शरद महाराज ने, शारदानंद जी महाराज ने इतना खूबसूरत से तो लीला प्रसंग लिखा है, तो कितना अच्छा से श्री रामचंद्रदेव का वचन, श्री रामचंद्रदेव का जीवनी सब विश्लेषण किया है उसके अंदर। तो इसी के बारे में तो रोज़ इसको पढ़ना है, इसके बारे में सोचना है। तो जब ये लीला के बारे में, भगवान की लीला के बारे में हम ज़्यादा सोचेंगे तब भक्ति बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, भगवान के ओर हमारे मन जाएगा। तो जैसे मास्टर महाशय ने कथामृत लिखा है, वचन अमृत लिखा है, तो इसमें कितना अच्छा अच्छा से श्री रामचंद्रदेव का वाणी उन्होंने लिखा है। तो इसके बारे में सोचना है, रोज़ थोड़ा पढ़ना है, तो तब भगवत भक्ति बढ़ेगी करके श्री श्री माँ कहती है। तो कहती है कि भगवत भक्ति बढ़ाने के लिए पोथी, वचनामृत या ग्रेट मास्टर, जो लीला प्रसंग है, ये सब बीच बीच में पढ़ना है। पहले पहले तो भगवत भक्ति को बढ़ाना है, लीला चिंतन करना है। तो ऐसे करके जब हम भगवान के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना प्यार भी ज़्यादा बढ़ता चलेगा। ये है श्री रामचंद्रदेव कहते थे। तो जिसको हम प्यार करते हैं, जिससे हमें प्यार है, तो उनके बारे में ज़्यादा सोचना है, ज़्यादा उनके मुलाकात करना है, फिर से उनसे मुलाकात करना है। तो ऐसे करते करते तो प्यार और भी डीप होगा और भी गहरा होगा। तो ये है श्री रामचंद्रदेव का वाणी। तो ऐसे हम भक्त लोग जब एक साथ में बैठ के भगवान का नाम लेते हैं तो ज़रूर भगवान का कृपा होगा, तो भगवान का आनंद महसूस होगा। तो ये श्री रामचंद्रदेव का, श्री रामचंद्रदेव के बारे में जब हम देखते हैं, और एक चीज़ जो मुझे बोलने का था कि, तो और एक घटना हम देखेंगे कि स्वामी तुरियानंद जी महाराज जब बेलूर मठ में रहे, तो अमेरिका से जब वापस आए थे, तो स्वामी विवेकानंद जी गुजर जाने के बाद, देहांत होने के बाद जब वे बेलूर मठ में रहे, तो एक दिन क्या हुआ, तो सुबह ये लोग तुरियानंद जी महाराज और कुछ ब्रह्मचारी लोग एक साथ में बैठकर सब्जियों को काट रहे थे। देवर ड्रेसिंग द वेजिटेबल्स किचन के लिए, इस्तेमाल के लिए, तो बहुत सारे वेजिटेबल्स को ड्रेस कर रहे थे। तो जब कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो बस कुछ जब बचा था, जब सब्जी कुछ बचा था, तब सुबह ब्रेकफास्ट का घंटी बज गई। तो घंटी जब बज गई, हरि महाराज ने कहा, तो ब्रह्मचारी लोगों से कहा कि और तो थोड़ा बचा है, तो इसको हम ख़त्म कर देंगे, काम को ख़त्म कर देंगे और फिर नाश्ता करने के लिए हम जाएंगे। तो पहले काम को ख़त्म कर देंगे तो आराम से फिर से जाएंगे। तो ठीक है, तो ब्रह्मचारी लोग तो हरि महाराज जैसे कहें वैसे सुन लिया और काम ख़त्म कर दिया अच्छा से। तो फिर काम सब ख़त्म होने के बाद ये लोग किचन में गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो जब वहाँ पर पहुँचे तो देखा कि जो हलवा बनाया था सुबह ब्रेकफास्ट के लिए वो ख़त्म हो चुका था, तो कुछ नहीं था। तो ऐसे था कि बेलूर मठ में तब ये जो सीनियर्स थे, हरि महाराज, ये सब सुबोधानंद जी महाराज और जो भी लेट में आते थे काम के वजह से, तो उनके लिए कुछ रखा रहता था, दे यूज़ टू कीप इट सेपरेटली फॉर देम। तो ब्रेकफास्ट वगैरह निकाल के रखते थे इनके लिए, हर एक के लिए, जितने बंदे लेट में आएंगे उनके लिए रखते थे। तो परंतु इस दिन देखा कि तुरियानंद जी महाराज और सब जो ब्रह्मचारी थे सबका दे दिया था, ख़त्म हो गया था। तो फिर हरि महाराज ने भंडारी महाराज को बुलाया कि बोला तो क्या भाई, क्या हो गया, तो हम लोगों का नाश्ता नहीं रखा है, तो निकाल के रखना था, तो हम लोग वहाँ पर सब्जी काट रहे थे। तो भंडारी महाराज ने बोला तो महाराज हम तो रखे थे सब, तो अच्छा से निकाल के रखे थे, परंतु प्रेमानंद जी महाराज, बाबू राम महाराज आए और बोले कि तो कुछ भक्त लोग आए हैं तो उनको तो कुछ देना है करके ये सब जो रखा था वो सब निकाल के लेके चले गए और भक्त लोगों को बांट दिए। तो हरि महाराज ने बोला तो तुमने क्यों नहीं बोला बाबू राम महाराज को, ये तो तुरियानंद जी महाराज और सबके लिए रखा है, लोग आएंगे अभी सब्जी काट रहे हैं तो काम कर रहे हैं। तो भंडारी
तो बोला कि महाराज बाबूराम महाराज को कैसे हम बोल सकते हैं, प्रेमानंद जी महाराज को कैसे हम रोक सकते हैं, तो वे इतना सीनियर है और मठ का मैनेजर है तो उनको बोलने में डर होता है। तो तुरियान जी महाराज ने बोला, तो इसमें डरने का क्या बात है, अगर प्यार है तो डर नहीं रहता है, तो जिसको हम प्यार कर सकते हैं, जिसको हम प्यार करते हैं तो उनसे सब कुछ बोलते हैं हम, तो कोई डर नहीं रहता है वहाँ पर। तो ऐसे भगवान को भी ऐसे ही प्यार करना है, तो भगवान को जब हम प्यार करते हैं सचमुच से, जब हम प्यार कर सकते हैं भगवान को, तब कोई डर नहीं रहता है, तो पूरा मन तो हम खोल देते हैं भगवान को देखने के लिए, तो बस मन का परिवर्तन करने के लिए वी आर एबल टू ओपन अप आवर सेल्व्स टू गॉड। ये तुरियानंद जी महाराज ने बताया, तब जो ब्रह्मचारी लोग सब वहाँ पर रहे तो वो सोच रहे थे, ये तो सचमुच प्यार करने से तो कोई डर नहीं रहता है। तो ये स्वामी विवेकानंद जी भी भक्ति योग में कहते हैं, भक्ति योग में कहते हैं भक्ति तो अल्टीमेट है, भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जहाँ पर भक्ति है वहाँ पर डर नहीं रहता है, कोई संकोच नहीं रहता है, मन मुक्त हो जाता है। ये आध्यात्मिक शिविर में आने से तो हम वी कैन कंपेयर नोट्स, दूसरों को देखकर दूसरे जो भक्त लोग हैं तो कैसे उनका श्रद्धा है, कैसे वे भगवान के ध्यान कर रहे हैं, इसको देखकर हम समझ सकते हैं कि कैसे कहाँ पर मेरा गलती हो रहा है। सो वी कैन कंपेयर नोट्स, वी कैन ट्राई टू बिकम बेटर, वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम अदर डिवोटीज़। ये एक बहुत बड़ा मौका है रिट्रीट में कि हम भक्त लोगों के साथ मिलकर वी कैन एक्सचेंज नोट्स, वी कैन बिकम बेटर डिवोटीज़ ऑफ गॉड। वीरेश्वरान जी महाराज जो हमारे दशम प्रेसिडेंट थे, उनके पास एक साधु ने एक बार पूछा कि महाराज जब हम काम करते हैं दुनिया में, जब हम काम करते रहते हैं तो कोई कोई आके हम लोगों को प्रशंसा करते हैं कि तो तुम तो बहुत एफिशिएंट हो, तुम तो बहुत अच्छा से काम कर रहे हो, तो इतना डिसिप्लिन्ड है, तुम्हारा काम तो बहुत सुंदर है करके बोलते हैं, कोई कोई निंदा भी करते हैं तो बहुत विचलित हो जाते हैं, ऐसे तो हम लोगों का ईगो जो अहंकार बहुत बढ़ जाता है, कभी कभी दुखी होते हैं, तो कैसे इसको कंट्रोल करना है, मन को कैसे कंट्रोल करना है काम करने के समय। तो वीरेश्वरान जी महाराज ने बोला, हाँ तो ज़रूर काम करने के समय तो आदमी लोगों का निंदा प्रशंसा ये तो होता ही है, तो परंतु इसके पीछे इसको नहीं सुनना है, यू आर नॉट सपोज टू, यू शुड नॉट लिसन टू ऑल दिस प्रेज और ब्लेम, जो भी है निंदा प्रशंसा उसको उपेक्षा करना है, उसके पीछे में सोचना नहीं है, तो हरदम सोचना है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान का दास हूँ, भगवान का काम कर रहा हूँ, अच्छा हो या बुरा हो मैं भगवान को जितना अच्छा से कर सक पाऊँगा उतना अच्छा से करूँगा, तो पूरा मन लगाकर मैं काम करूँगा, मैं भगवान का दास हूँ, केवल भगवान का दास हूँ। तो ऐसे जब हम सोचेंगे कि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान के प्रेम के लिए, भगवान को हम प्यार करता हूँ इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, अगर हम ऐसे सोच सकते हैं तो अहंकार नहीं होगा, तो इसके पीछे सोचना कम हो जाएगा करके वीरेश्वरन जी महाराज वहाँ पर बोलते हैं। तो ऐसे जब हम साधु वाक्य, ये सब महान साधु जो थे, हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जो थे, डायरेक्ट डिसिपल्स जो थे, इनका वाणी जब हम सुनेंगे पढ़ेंगे, तो एक साथ में बैठ के जब हम सुनेंगे, एक साथ में जब हम चर्चा करेंगे, तब बहुत सारे चीज़ हम समझेंगे, वी बिकम बेटर डिवोटीज ऑफ गॉड, वी ट्राई टू रिफॉर्म अवर सेल्व्स। सो दिस इज़ द एडवांटेज, होली मदर कहती है कि मुझे भी इच्छा होती है कि कथामृत और वचनामृत ये सब सुनने का, तो आप लोग आके तो थोड़ा थोड़ा पढ़िए, तो ऐसे तो देखते हैं हम माँ की जीवनी, जब हम देखते हैं तो भक्त लोगों को बोलते थे कि तुम कुछ वचनामृत पढ़ो तो मैं सुनूंगा करके माँ सुनती थी और बहुत आनंद देती थी, ये तो भगवान का वाणी है करके। तो दिस इज़ द आइडिया, दिस इज़ द इंस्पिरेशन दैट वी कैन टेक, कि हम भी जब भगवान का वाणी सुनेंगे, अच्छा से ध्यान से सुनेंगे, और कैसे इसको हम अपनाएंगे हमारा जीवन में, हाउ वी कैन मेक आवर लाइफ बेटर, इसके बारे में हम सोचेंगे। तो मैं फिर से और एक बार धन्यवाद
कहता हूँ, तो पराग महाराज जी को मुझे ये अच्छा मौका दे दिया तो भगवान के बारे में सोचने के लिए। तो मैं आप सब के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप सब अच्छे रहिए, भगवान की कृपा हम सब के ऊपर रहे। जय श्री राम कृष्ण, जय श्री माँ शारदा देवी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। पूज्य महाराज जी से अभी हमने सुंदर आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त किया, हम महाराज के बहुत ही आभारी है कि उन्होंने इस शिविर में हमें मार्गदर्शन प्राप्त दिया, और हम आशा करते हैं कि आगे भी उनका प्रेम, उनके आशीर्वचन और उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता रहेगा। महाराज बहुत बार इस वडोदरा सेंटर में आ चुके हैं और यहाँ के साधु ब्रह्मचारियों से, यहाँ के कार्यकर्ताओं से बहुत प्रेम करते, बहुत ही प्रेम हमको उनको मिला है। आइए अब हम ब्रह्मचारी अर्नब महाराज, जो कि श्री रामकृष्ण आश्रम राजकोट में स्थित है, उनसे सुंदर भजन सुनेंगे। Thank you.
अभी हमने प्रिय ब्रह्मचारी जी महाराज जी से सुंदर भजन सुना। आइए अब हम स्वामी सुविज्ञान जी महाराज जी से श्री शारदा देवी माँ का स्तोत्र प्रकृति परमाम इनके ऊपर व्याख्या सुनेंगे। पिछली शिविर में भी महाराज ने इसी विषय पर व्याख्यान दिया था, आज उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं। पूज्य महाराज श्री रामकृष्ण मिशन वडोदरा में स्थित है, यहीं के वरिष्ठ सन्यासी हैं। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति राम कृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहं श्री शारदां प्रणमाम्यहं। नमस्कार। पिछले आध्यात्मिक शिविर से हम लोगों ने स्वामी अभेदानंद जी द्वारा लिखा गया श्री श्री माँ के दिव्य जीवन को लेकर जो स्तोत्र रचना की है, जिसका गायन रामकृष्ण संघ के सभी शाखा केंद्रों में अक्सर गाया जाता है, जिसका पहला चरण प्रकृतिम परमाम अभयाम वरदाम नररूप धराम जनताप हराम, जिसको लेकर हम चिंतन प्रारंभ कर चुके हैं। जैसा कि हमने देखा कि अभेदानंद जी महाराज इस प्रथम अंतरे में श्री श्री माँ के लिए कुछ विशेषण इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे वे श्री माँ को परमा प्रकृति अभया वरदा नररूप धरा जनतापहरा शरणागत सेवक तोषकरी और फिर जननीम जगताम, इस प्रकार से वो माँ का वर्णन कर रहे हैं। तो परमा प्रकृति शब्द से माँ साक्षात आद्या शक्ति है, ब्रह्म शक्ति है, यह बता दिया। तो दूसरा जो विशेषण है अभया, तो अभेदानंद जी महाराज श्री श्री माँ को अभया कह रहे हैं। अभया कहने का क्या अर्थ है, क्या भाव है, इसका हमारी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक है, क्या रिश्ता है? अभेदानंद जी जैसे हम लोगों को समझा रहे हैं, श्री श्री माँ जो आद्या शक्ति हैं, परमा प्रकृति हैं, नर रूप धारण करके आई हैं और विशेष रूप से वे जननी हैं, वे हमारी माँ हैं। यह एक बहुत ही हम लोगों ने जो अनुभव किया है उस मनोविज्ञान का वर्णन है। एक नन्हा सा बालक अपनी माँ की गोद में अपने आप को कितना भयमुक्त पाता है, इसका अनुभव तो हम लोग सभी कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत है। देखिए, एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ कि एक उमेश बाबू करके श्री श्री माँ के शिष्य थे और अक्सर वे शायद अपनी ज़िंदगी को लेकर बड़े ही चिंतित रहते थे। और क्यों न हो, जब हम जान लेते हैं कि हमारे मन में नाना कामनाएं, नाना वासनाएं हैं, तो एक
अच्छा इंसान जिसका इंक्लिनेशन कहिए या जो आध्यात्मिकता को भगवान को मानकर चलता है, धर्म भीरु है, धर्म को लेकर चल रहा है, वह तो ये भली भांति जानता है कि अंतःकरण में कामनाएं वासनाएं रहेगी तो जीवन मुक्त नहीं हो सकता। ये कामनाएं वासनाएं जिसकी वजह से जीव को बार बार जन्म मरण के चक्र में घूमना पड़ता है, और यही सबसे बड़ा दुख मनुष्य को सताता है। वैसे व्यावहारिक स्तर पर भी विचार करें तो मनुष्य को मेरा पैसा खो जाए इसका डर रहता है, मेरे पद प्रतिष्ठा की हानि होगी शायद उसका भी डर रहता है, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी शायद उसका भी डर रहता है। वैसे हर तरफ से सर्वसाधारण हमारे जैसे इंसान बुरी तरह से किसी न किसी डर से सताए ही रहते हैं, और बाकी ये सब व्यावहारिक बातें न भी हों तो जब भी मृत्यु का विचार मन में आता है तो कहीं ना कहीं मन में डर का संचार भी हो जाता है, और उसकी ही एक अगली या आगे की पादान है कि मुझे बार बार ये कामना वासना जिसके फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसना होगा। और यह विचार अगर किसी इंसान को चिंता में डुबो दें तो क्या हम उसको अस्वाभाविक कह सकते हैं? निश्चित नहीं। और वही बात उमेश बाबू के बारे में भी, कि उमेश बाबू बड़ी चिंता में हैं क्योंकि वे अपनी दुर्बलताएं जान रहे हैं, और जब उन्होंने ये बात श्री श्री माँ से बोल दी तो श्री श्री माँ ने तुरंत उमेश बाबू की मन के भावनाओं को, उनके भावों को समझकर माँ ने कहा कि तुम लोग इतनी चिंता क्यों करते हो, मन की वासनाएं कामनाएं इत्यादि मिटा डालो, इसके बाद तो ठाकुर है ही। उमेश बाबू ने कहा कि माँ मेरे कुंडली में मृत्यु स्थान में अच्छे ग्रह नहीं हैं, तो यह सुनकर श्री श्री माँ ने तुरंत उमेश बाबू को कहा, और कुछ उत्तेजित होकर श्री श्री माँ ने कहा कि जन्मपत्री को किनारे रख दो, अर्थात रिजेक्ट व्हाट एवर दैट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड थ्रू जन्म कुंडली। बोले जन्मपत्री को किनारे रख दो, अर्थात डोंट वरी अबाउट दैट, उसको अतिरिक्त महत्व मत देना। और फिर माँ कहती हैं, और अन्य भक्तों से भी माँ ने यही कहा कि देखो अंत में तुम लोगों को लेने के लिए ठाकुर को आना ही होगा, संसार बंधन से मुक्ति जीव के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होने पर भी यह याद रखो कि यह मुक्तिदान ईश्वर के लिए कठिन नहीं है। और एक दिन अपने दोनों हाथ दिखाकर भक्ति और मुक्ति के प्रसंग में श्री माँ ने अपना दायां हाथ दिखाकर कहा कि मुक्ति तो जब तब दी जा सकती है, किंतु भगवान भक्ति देना नहीं चाहते, क्योंकि भक्ति देते ही वे भक्त के बंधन में पड़ जाते हैं। देखिए उमेश बाबू का तो एक निमित्त है जैसे, लेकिन श्री श्री माँ हम लोगों को ही यह बात समझा रही हैं कि अंत समय में श्री श्री ठाकुर आएंगे और सभी कुछ अच्छा हो जाएगा। देखिए ये जो श्री श्री एक ये छोटी सी घटना मैंने इसलिए बताई कि किस प्रकार श्री श्री माँ एक तरह से
साक्षात देवी, दूसरी तरफ गुरु, और इस देवी और गुरु भाव से भी कई गुना अधिक प्रबल उनका यह जो मातृभाव है, जिसके आधार से वे अपने संतान के हृदय का जो भय है, जिन जिन बातों से संतान के हृदय में भय का संचार होता है, हो सकता है उन सभी को श्री श्री माँ जैसे दूर कर देती है। और इसलिए अभेदानंद जी ने श्री श्री माँ को उद्देश्य से ये अभया यह विशेषण इस्तेमाल किया है। श्री श्री माँ अभया अर्थात भय से मुक्त करने वाली, जिनके चरणों में आश्रय लेने से मनुष्य संपूर्ण रूप से निश्चित रूप से भय मुक्त हो सकता है। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि यह अनुभव वैसे तो हम लोग अपने बचपन में कर चुके हैं। एक छोटी सी घटना बताना चाहूँगा इस प्रसंग के कारण याद आ रही हैं। तो घटना ऐसी है कि एक बार मैं कहीं जा रहा था कार से और सिग्नल पर गाड़ी रुक गई थी। मई महीने का मई महीना था, ग्रीष्मकाल, धूप बड़ी तेज़ थी, दोपहर के 1 या 2 बजे का समय था और रास्ते पे बहुत ट्रैफिक था और सिग्नल पर रेड सिग्नल है, उसकी वजह से हमारी गाड़ी रुकी हुई थी। तो उस दोनों तरफ से बाइक्स और अन्य कार भी रुके हुए थे और खिड़की से मैं देख रहा था। तो उसी भीड़ में, इतनी दोपहर में, कड़ी धूप में, एक भिखारन अपने छोटे से बच्चे को गोद में लिए भीख मांगते हुए हमारे कार के पास आ गई। मैं देखते रह गया कि एक तरफ धुआं, कार, ये क्या बोलते हैं, ऑटो रिक्शा वाले, एक तरफ लोकल ट्रांसपोर्ट की बस, सभी रुके हुए हैं और आप लोग समझ सकते हैं कि परिवेश में, वातावरण में कितना पोल्यूशन रहा होगा। एक तरफ पोल्यूशन, ऊपर से कड़ी धूप, आसपास इतनी मोटर गाड़ियाँ, बाइक्स, सब कुछ होते हुए भी दोपहर की दो बजे के समय में उस भिखारन की गोद में उनका वह जो 1.5 साल का बच्चा था, वह इतनी गहरी नींद सो रहा था। उसको देखकर मुझे माँ की याद आई और तब महसूस हुआ कि वाकई माँ, बच्चा माँ की गोद में कितना भयमुक्त रहता है। जो कुछ भी चिंता है वो तो माँ को होती है, चाहे वह पोल्यूशन हो, चाहे कड़ी तपती धूप हो, चाहे मोटर गाड़ियों से एक्सीडेंट का डर हो, उस बच्चे को कोई किसी बात का एहसास नहीं है। वह तो बिल्कुल चिंता मुक्त है। क्यों है? क्योंकि वह माँ की गोद में है। अभेदानंद जी महाराज यही बात हमको बस इस एक एक शब्द से समझा रहे हैं कि श्री श्री माँ जो हैं वह अभया हैं, वो भय से मुक्त करने वाली हैं, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंता से हम सभी को मुक्त रखने का सामर्थ्य वह रखती हैं। यह जो मैंने उमेश बाबू का ये जो उदाहरण आपको दिया, जहाँ माँ भक्तों को उद्देश्य करके हुए जब कहती हैं संसार बंधन से मुक्ति जीव के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होने पर भी, यह मुक्तिदान ईश्वर के लिए कठिन कार्य नहीं है, कितनी बड़ी बात है जरा आप सोच कर देखिए।
और इसलिए अभेदानंद जी ने प्रारंभ में ही यह बात बोल दी है कि श्री श्री माँ उनके चरणों में आश्रय लेने से हम सभी प्रकार के भय से मुक्त हो सकते हैं, जन्म मरण के चक्र से रिहाई पा सकते हैं। श्री श्री माँ का यह अपूर्व सामर्थ्य है। और यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि श्री श्री माँ की ये जो हमारे जीवन में भूमिका है, श्री श्री माँ हमारे लिए साक्षात भगवती हैं, श्री श्री माँ हमारे लिए इष्ट देवता हैं, श्री श्री माँ हमारे लिए गुरु स्थान में भी हैं, लेकिन इन सबसे कहीं अधिक ज़्यादा, कहीं अधिक प्रभावशाली उनकी जो भूमिका है हमारे और आपके जीवन में, वह यही है कि वे हमारी माँ हैं। एक बार स्वामी प्रेमेशानंद जी महाराज, जो श्री श्री माँ के मंत्र शिष्य थे, उनका हृदय कुछ दुर्बल हो गया था और दुर्बल हृदय के कारण इच्छानुरूप साधन भजन करना उनके लिए संभव नहीं हो रहा था। और श्री श्री माँ को जब यह बात निवेदित कर दी गई तो तुरंत श्री श्री माँ ने जो उद्गार निकाले, श्री श्री माँ बोल उठी, यदि माँ कहने पर ही विश्वास रहे तो फिर उस सब की क्या आवश्यकता है। मैं माँ हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, और अगर हम सब श्री श्री माँ, वे आद्या शक्ति हो सकती है, ब्रह्म रूपिणी हो सकती है, ब्रह्म ज्ञान प्रदात्री हो सकती हैं, लेकिन इन सबसे कहीं अधिक वे हमारी माँ हैं। और यह विश्वास अगर हम हृदय में रखें तो एक तरह से जब माँ प्रेमेशानंद जी का निमित्त करते हुए कह रही हैं कि अगर वे इच्छानुरूप साधन भजन नहीं भी करते हैं, लेकिन अगर वो मुझे माँ मानते हैं, तो मुझे माँ मानना यही एक बहुत सुंदर, सहज, उत्तम साधना है। शायद हम घंटों साधन भजन जब ध्यान नहीं कर पाएंगे, शायद हमारे जीवन में संयम उतना प्रबल नहीं है, हमारे जीवन में सहिष्णुता नहीं है, हमारे जीवन में सेवा परायण भावना नहीं है, लेकिन अगर हमारे हृदय में श्री श्री माँ हमारी माँ हैं यह बोध है तो हम जीत गए। और इसीलिए ये अभया शब्द हमारे जीवन में एक बहुत अनन्य साधारण महत्व रखता है। आइए श्री श्री माँ के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि माँ, आपकी कृपा से ही हमारे अंतःकरण में आप हमारी माँ हैं और हम आपकी संतान है, यह भाव दृढ़ हो जाएं और हम सब भयमुक्त हो जाएं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। पूज्य महाराज जी से हमने सुंदर माँ शारदा के स्तोत्र के ऊपर व्याख्या सुनी और इसी के साथ आज की शिविर का हम यहाँ पर समापन करते हैं। पूज्य स्वामी शुभिज्ञान जी महाराज का हर रविवार शाम 5 बजे श्री रामकृष्ण वचनामृत और हर बुधवार को शाम 5 बजे श्री रामकृष्ण के गृह शिष्य इस विषय पर व्याख्यान रामकृष्ण मिशन वडोदरा की ओर से प्रसारित किया जाता है।
आप इनका भी लाभ ले सकते हैं। आप सब जैसे जानते हैं कि हर महीने के प्रथम रविवार को हमारी यह शिविर होती है। आप अपने इष्ट मित्रों, अपने स्नेही संबंधियों से इस कार्य का लाभ लेने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। आज की शिविर में जिन संतों का, जिन महाराज ने हमें मार्गदर्शन दिया, उन सभी के चरणों में मैं रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल वडोदरा की ओर से और आप सभी की ओर से प्रणाम निवेदन करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि आगे भी उनके आशीष, उनका मार्गदर्शन हमें सदा सर्वदा प्राप्त होता रहेगा। भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रार्थना करते हुए, सबका मंगल हो, सब स्वस्थ रहे, सबको सुख शांति मिले और सबकी भगवान के चरणों में भक्ति है, ऐसी प्रार्थना करते हुए आज की यह शिविर हम यहाँ पर समापन करते हैं। हमारी अगली इस श्रृंखला की सातवीं शिविर 1 अगस्त रविवार को सुबह 10 बजे प्रसारित की जाएगी। आप सभी से निवेदन है कि उसमें आप सभी आइए, जरूर सम्मिलित होइए। और आज की शिविर का हम यहीं पर समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री गुरु महाराज की जय। जय श्री महामाई की जय। जय श्री स्वामी जी महाराज जी की जय। जय श्री द्वारकानाथ सोमनाथ जी की जय। जय श्री नर्मदा माई की जय।